Like, with me, if you ride with me, you can slide with me. So, hey everyone, welcome back to a new video. And today is 7th of October. So guys, as a owner of my TVS Hunter 125, मैंने अपने एंड्रॉइड पे 10,000 प्लस किलोमीटर्स कंप्लीट किया है। वैसे मैं ये वाला वीडियो बनाने वाला था जब मेरा एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर्स हुआ था, पर अभी कॉलेज कुछ खुल गया है तो इसकी वजह से मतलब मेरे पास टाइम नहीं था बनाने के लिए। सो आज मुझे बहुत दिनों के बाद यहाँ टाइम मिला है तो 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स मैंने इसको राइड कर लिया है। गाइस, ये मेरा फ्रेंड साहिल जो इस वीडियो में मेरा बहुत हेल्प करने वाला है। सो सबसे पहले इसका कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky. And guys, इस वीडियो में बात करूंगा एंड्रॉइड के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जो मैंने फील किया है स्कूटी खरीदने के बाद। एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर अभी आप एंड्रॉइड लेते हैं तो ये वर्थ होता है कि नहीं। एंड गाइस, मैंने एंड्रॉइड लिया था 2019 के 15 नवंबर को, सो ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। और अभी मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो चलिए फिर देखते आगे क्या होता है। सो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसका पावर डिलीवरी, क्योंकि जो BHP एंड टॉर्क है इस एंड्रॉइड में ये बेस्ट इन सेगमेंट है। एंड 125cc के स्कूटर के अंदर कोई भी ऐसा स्कूटर नहीं है कि कितना पावर आउटपुट है। एंड Aprilia SR 125 से भी अच्छा पावर आउटपुट है एंड्रॉइड में। सो डेफिनेटली द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ एंड्रॉइड इज इट्स पावर डिलीवरी। अब आते हम सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट पे। सो सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है द रोड ग्रिप। कोई भी स्टेबिलिटी के ऊपर इशू नहीं है। अगर आप 100 km/h के स्पीड में भी चलाओगे ना तो आप फील नहीं करोगे कि स्कूटी चला रहे हो, बिकॉज ऐसा लगता है कि आई एम राइडिंग अ बाइक, क्योंकि इतना 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 ज़्यादा स्टेबल है ये स्पीड के ऊपर। एंड गाइस, इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं तो वो है इसका ब्रेकिंग। सो गाइस, ब्रेकिंग इज सुपर कूल, शानदार ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है इसका। सामने तो इसका डिस्क ब्रेक है एंड रियर में है इसका ड्रम ब्रेक, लेकिन कोई नहीं क्योंकि अभी हर स्कूटी में ड्रम ब्रेक ही आता है। बट रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है इसका डिस्क ब्रेक की वजह से। पर अभी कुछ स्कूटी में डिस्क ब्रेक भी आ चुका है, पर ये तो BS4 था 2019 के मॉडल में। अच्छा गाइस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, वरना हाई दिस इज रुस्तम एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यूअर, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई एक्सपीरियंस टू यू गाइस, क्योंकि मैं गरीब हूँ। क्योंकि लगभग एक साल मैंने चलाया एंड्रॉइड को, सो आई विल ट्राई टू गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू। सभी बढ़ते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। बस एंड्रॉइड एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है और जो है इसका एग्जॉस्ट नोट। सो एग्जॉस्ट नोट के बिना वीडियो खत्म तो हो नहीं सकता। सो आपको पहले एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर डेट नथिंग इज़ परफेक्ट। सो एंड्रॉइड में कुछ कमियाँ भी है, वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा कमियाँ नहीं है, पर फिर भी ऑनेस्ट रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं। पर फिर भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दिखा रहा हूँ, सो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपको इसका सब बात बताऊँ। सो अभी बात करेंगे हम कुछ नेगेटिव साइड के बारे में। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट नेगेटिव साइड के बारे में, जो कि है इसमें आपको चौक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी जो 2020 में टीवीएस एंड्रॉइड BS6 आ रहे वो FI के साथ आ रहे हैं, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ, बट 2019 का BS4 है एंड इधर पे तो चौक एक होना ही चाहिए था यहाँ पे। बट इसका चौक कहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, इसका चौक के लिए आपको खोलना पड़ेगा इसका डिक्की, एंड डिक्की के बाद यहाँ पे एक कंसोल है जहाँ पे हेलमेट रखते हैं। तो इसका जो ये स्क्रू ड्राइवर है ये दोनों खोलना पड़ेगा आपको, और खोलने के बाद इसके अंदर आपको एक चौक का वहाँ पे मिलेगा जो एक जैक की तरह होगा। तो जैक को ओपन करना होगा एंड उसके बाद ये स्टार्ट होगा। सो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव साइड होता है टीवीएस एंड्रॉइड का। एंड इसको एंड चौक इधर होना चाहिए, वैसे ऑटो चौक तो है इसमें बट कभी कभार मतलब ये काम नहीं करता है, सो इसके वजह से आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ये। सेकंड पॉइंट जो इस मेरा सबसे जो पर्सनली इसका मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा वो है इसका रस्टिंग। सो गाइस, मुझे ये नहीं पता कि मेरे स्कूटी में ये प्रॉब्लम है या फिर दूसरे एंड्रॉइड में भी है, बट इसके कुछ पार्ट्स में मतलब रस्टिंग हो जाते हैं, मतलब आप चलाते रहेंगे तो। जैसे कि मैं इसको सर्विसिंग करने के बाद भी नीचे में कुछ पार्ट में रस्टिंग हो रहे थे, वो मतलब ब्रश से हटाने से भी नहीं हटता है, तो वो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। बट ऐसा मेरे स्कूटी के साथ होता है और दूसरे के साथ भी होता है वो मैं श्योर नहीं हूँ। सो गाइस, एट लास्ट मैं बताऊँगा कि ये वर्थ है कि नहीं। तो गाइस, अगर आपका बजट 85,000 to 90,000 के आसपास, सो आप ऑब्वियसली ले सकते हैं, और पर मैं आपको पर्सनली बताऊंगा तो आप इसके रेस एडिशन में जा सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही लुक्स में भी अच्छा है और मैंने सुना है कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है उसका। सो यू कैन गो फॉर रेस एडिशन, और अगर आपके पास इतना बजट होता है तो, या फिर आप अपने बजट के हिसाब से आप स्कूटी देख सकते हैं। बाकी मैंने इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड तो बोल ही दिया है,
सो इट डिपेंड्स ऑन यू। एंड अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। और कुछ भी बात आप शेयर करना चाहते हो अपना पर्सनल एंड्रॉयड के बारे में तो मुझे आप बता सकते हो। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेक कर सकते हो। एंड साहिल भाई मेरे साथ में जो कि इस वीडियो में बहुत हेल्प कर रहे हैं, सो भाई का भी चैनल है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। और वीडियो के भी एंड करने के लिए मैं मतलब इस जगह पर आया हूँ, ये दक्षिण गाँव। सो मतलब यहाँ पर कुछ नया से ही साइकिल ट्रैक बना हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं, इधर बोर्ड भी है पीछे में। एंड गाइस एक बात मैं बताना भूल गया था कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि इसका माइलेज ठीक नहीं है। सो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको एक स्कूटी चाहिए जिसमें लुक्स अच्छा हो और टेक्नोलॉजी फुल स्कूटी हो तो आपको माइलेज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो फिलहाल जो मेरा एंड्रॉइड दे रहा है वो दे रहा है अराउंड 42 to 43 का माइलेज। और मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही मतलब एक और वीडियो बनाऊँ इसका माइलेज के ऊपर, सो उसके बारे में सोचूंगा। बट उससे पहले मैंने सोचा है कि इसका और रेस एडिशन का एक रेस भी बनाया जाए, तो वो देखेंगे आगे क्या होता है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एज ए ओनर ऑफ माय एंड्रॉइड मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं इतना प्रोफेशनल मतलब रिव्यूअर तो नहीं हूँ, तो अभी अंधेरा भी होने वाला है। सो वीडियो को ये भी एंड करते, तब तक के लिए राइड सेफ, बी सेफ। मैं टेक रुस्तम, व्लॉगिंग ऑफ।